राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए द्वारा रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार विपक्ष की उम्मीदवार होंगी। उनके नाम का ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के चयन के लिए गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 17 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में फैसला किया गया कि मीरा कुमार राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार होंगी। उनके नाम का प्रस्ताव एनसीपी चीफ शरद पवार ने रखा था। मीरा कुमार कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस पार्टी का बड़ा दलित चेहरा भी है। पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार पिछली लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा पहले से ही थी। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार के लिए मीरा कुमार के अलावा सुशील कुमार शिंदे, गोपाल कृष्ण गांधी और प्रकाश अंबेडकर के नाम की चर्चाएं थी। विपक्ष की मीटिंग से पहले सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा था कि लेफ्ट गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहता है। विपक्ष की इस मीटिंग में बीएसपी की तरफ से सतीश चंद्र मिश्र शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि बीएसपी राष्ट्रपति पद के लिए मीरा कुमार को समर्थन देगी। बता दें कि एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद के नाम के ऐलान के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा था कि वह राष्ट्रपति पद के लिए कोविंद का समर्थन कर सकती हैं, बशर्ते कि विपक्ष की तरफ से कोई बड़ा दलित चेहरा उम्मीदवार मैदान में न हो। रामनाथ कोविंद को एनडीए के साथ साथ कई विपक्षी दलों ने समर्थन का ऐलान किया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू शामिल है। जेडीयू ने बुधवार को कोविंद के समर्थन का ऐलान कर दिया। नीतीश चाहते तो एक दिन इंतजार कर सकते थे, लेकिन लगता है उन्होंने पहले ही विपक्ष की एकता को तगड़ा झटका देने का पूरा मन बना लिया था। जेडीयू के अलावा टीआरएस, वाईएसआर, वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल और एआईडीएमके जैसे कई गैर एनडीए दल भी कोविंद के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार के तौर पर मीरा कुमार के नाम के ऐलान के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मीरा कुमार को समर्थन देने की अपील की है। मीरा को बिहार की बेटी बताते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। लालू ने नीतीश पर तंज कसते हुए यह भी कह डाला कि समर्थन का फैसला सज्जनता या दुर्जनता के आधार पर नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर होना चाहिए। अगले राष्ट्रपति पद के लिए 17 जुलाई को चुनाव होगा। चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए 28 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।